अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी ऐसे कौन स्टार्ट करता है? अगर आप लोग यूट्यूब देखते हो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कैसे इस तरीके से कौन स्टार्टिंग करता है। आई थिंक श्याम इदरीस, श्याम इदरीस यूट्यूबर है, उनका स्टार्ट ऐसे होता है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है स्टार्टअप हो रहा है यहाँ से कि मैं चिप्स फ्राइज करती हूँ। पिछली वीडियो से एक्चुअली मैंने नेक्स्ट स्टार्ट लिया था, बच्चों को भूख लग गई थी और मैंने सोचा चलो उन्होंने फ्राइज़ वगैरह बना देती हूँ। भूख ये स्नैकिंग वाली भूख लगी थी। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं कि मैं तुमसे भी ज़्यादा तेज़ हूँ और दूसरा कह रहा मैं तुमसे भी ज़्यादा तेज़ हूँ। जारी नहीं करो, सबसे ज्यादा होगी हादी की क्योंकि वो बड़ा है। कौन सी वाली? मैं अभी बताती हूँ। मैं 9 साल की हूँ। जारी माहिर कितने साल के? माहिर बताओ, ज्यादा वाली हादी की होगी। हाँ ये वाली। ये वाली जी? ये मेरी नहीं, सेम है सेम। जारी शीज माहिर छोड़ दो। चलो अब बाकी में इक्वली डिवाइड करते हैं। टूट फेरी जब आती है ना उसे सिक्का रख देती है, दांत ले जाती है ना टूट फेरी। आज तो दो नगेट्स ले लूंगी मैं। साथ में सुनने को कैसे हो? और यहाँ पे जारी ने ना इसलिए रोना डाला हुआ था कि इसका दांत हिल रहा था और इसे फ्राइज ठीक से खाए नहीं जा रहे थे, इसलिए बार बार रो रहा है। और ये मैं क्योंकि गाँव आई हुई थी और यहाँ की जलेबियाँ मैं ना खाऊँ तो मेरी ना रूह को सुकून नहीं मिलता और साथ नहीं भरले, मतलब अखीर ही कम्बिनेशन था। और देखें ज़रा बच्चों ने जो मैस क्रिएट किया हुआ एक दूसरे के मुकाबले पे ना ये लोग खा रहे हैं। अगर उसने सोफ़े पे रखी है तो वो कह रहा है मैं भी सोफ़े पे रखूँगा। इस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के मुकाबले करने होते हैं, जब मर्ज़ी एक दूसरे के साथ फुल सलूक में आ जाते हैं और जब मर्ज़ी फुल बटा फुल लड़ने लग जाते हैं। जब हमने इन लोगों से कहना होता है ना कि चलो ना आज हम घूमने जाएँगे तो ये दोनों एक दूसरे को इतनी जप्पियाँ डालेंगे, पारियाँ करेंगे कि वाह भाई हमने वहाँ पे जाकर लड़ना नहीं है, हम फुल एंजॉय करेंगे। और वहाँ पे जाते सार आफ्टर 5 मिनट्स ये लोग ज़मीन पर लेटे होते हैं वहाँ पर लड़ लड़ के, इनके ये हालात है। खैर ये जो क्लिप है ये जो मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किए हैं उससे तकरीबन 1 मंथ पहले का है। और अर्शमा माइनीस जिसका मैंने व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था उसके बॉर्न होने पर पैदा होने पर इतनी इंग्लिश झाड़ लूँ तो वो अक्सर खराब ही हो जाती है। तो ऐसा है कि जब वो पैदा हुई थी ना तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था जो मैंने बनाई थी। यहाँ पे रिया ज़रा मैजिक करने की कोशिश कर रही है तो उसकी 1 मंथ सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब तो माशाल्लाह 3 मंथ्स की हो गई है, लेकिन ये 3 मंथ्स पहले का ही व्लॉग है, तब से मैंने बनाया हुआ था। लेकिन ये छोटा व्लॉग था, इसके साथ मज़ीद एडिशन करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए ये तब से यूँ ही पड़ा हुआ था। और बीच में मेरी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जब आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक बटन प्रेस नहीं करते और कमेंट्स नहीं करते। खैर कुछ देर के बाद फिर मुझे जुनून चढ़ जाता है, मैं फिर से वीडियोज़ बनाने लग जाती हूँ। खैर इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। खैर मेरा एक हेयर ज़्यादा ही बोल दिया है। यहाँ पे अर्शमा हो गई है तैयार और छोटी मोटी से साथ में एक्टिविटीज़ की हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय किया और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। मैं इधर आपी की तरफ आई हुई हूँ और क्योंकि आपी का घर हमारे घर से थोड़े ही फासले पे है और हम दोनों जल्दी एक दूसरे से मिल लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिबलिंग्स। बाकी एक और हमारी बहन कज़न इधर लाहौर में ही होती है लेकिन उससे भी मिलना कुछ टाइम के बाद होता है। एक बहन सियालकोट में होती है, मम्मी भी सियालकोट में होती है तो उनसे ज़रा काफ़ी गैप के बाद मिलना होता है। खैर एक बहन का पास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक दूसरे के साथ आपको काफ़ी हौसला रहता है। हम अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं बेटी एक ही होनी चाहिए और बेटी होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा हमारे सोसाइटी ने हमारा जहन बनाया हुआ है। लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ कि अगर बहनें ना हों तो एक दूसरे के साथ अब कैसे शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ दुख कैसे हम लोग बांट सकते हैं,
तो ज़्यादा बहनें होना ना अक्सर औकात बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बल्कि मोस्टली फ़ायदेमंद ही होता है। और इसके अलावा एक और बात मैंने आपसे कहनी थी कि अगर आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे ना, तो यकीन करें आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा। और अगर आप लाइक का बटन दबा देंगे फिर भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सम टाइम शायद आपको ये होता है कि इसमें पैसे ना हमारे लग दें, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर दें ज़रा दिल खोल के, कोई मसला नहीं होता। और कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस दें, मैं किस तरह के व्लॉग आपके लिए क्रिएट करूं और किस तरीके से होने चाहिए व्लॉग्स, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बच्चे जो है यहाँ पे फुल ऑन एंजॉयमेंट के माहौल में हैं, और केक शेक, फ्राइड राइस, साथ में पिज़्ज़ा, ये तमाम तर चीज़ें थी और हमने सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, साथ में मैक्रोनी भी थी। वी रियली एंजॉयड इट ऑल अलॉट। जिन जिन की औलाद नहीं है और साबे औलाद होना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन सब को नेक और साले औलाद से नवाजे, और जो बच्चियां मैरिड हैं अल्लाह उनके नसीब और उन अच्छे करे और उन्हें अपने घर में आबाद रखे, जो अनमैरिड हैं अल्लाह ताला उन सब बच्चियों को अच्छे जोज अता करे और नेक और साले जो है ना आगे से ससुराल वाले मिलें और वह खुद भी नेक रस्ते पर चलती रहे। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।